हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होगा। आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने ले जा रहे हैं वो पूरी दुनिया से अलग है। यहाँ के नियम कानून सबसे अलग हैं। यहाँ जब देश के हेड आते हैं तो सब लोग अपने घरों में छुप जाते हैं। इस देश में कोक पीने पर भी बैन लगी हुई है और यहाँ आपको एक भी मैकडॉनल्ड्स नहीं मिलेगा। यह इंटरनेट इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया के एक देश उत्तर कोरिया के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस देश को दुनिया का सबसे रहस्यमय देश क्यों कहा जाता है। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में है अजीबोगरीब कानून। उत्तर कोरिया में नहीं पहन सकते ब्लू जीन्स, अपने मन के मुताबिक नहीं रख सकते हैं हेयर स्टाइल, घर में बाइबल रखने पर होती है सज़ा। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को रहने बोलने अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता है। हर कोई अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से जीना चाहता है जी सकता है, लेकिन उत्तर कोरिया में ऐसे नियम और कानून हैं कि वहाँ रहने वाले लोग ना तो अपने मन से बाल कटवा सकते हैं और ना ही टीवी देख सकते हैं। हम आपको नॉर्थ कोरिया के ऐसे अजीबोगरीब कानून के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। नॉर्थ कोरिया में टीवी पर सिर्फ 3 चैनल ही दिखाए जाते हैं। उत्तर कोरिया में आप टीवी पर सिर्फ वही देख सकते हैं जो वहाँ की सरकार दिखाना चाहती है। वही टीवी पर सिर्फ उत्तर कोरिया के ही समाचार दिखाए जाते हैं। उत्तर कोरिया में लोग अपने मन के मुताबिक हेयर स्टाइल नहीं रख सकते हैं। यहाँ की सरकार ने सिर्फ 28 तरह के हेयर स्टाइल को ही मान्यता दी है। इनमें से 10 पुरुषों के लिए और 18 महिलाओं के लिए लागू हैं। इन हेयर स्टाइल्स में किम जोंग की हेयर स्टाइल शामिल नहीं है। उत्तर कोरिया में ना तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं और ना ही इसे अपने घर पर रख सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सज़ा भुगतनी पड़ती है। उत्तर कोरिया में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी सज़ा उसे मिलती ही है, उसके साथ साथ उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को भी सज़ा भुगतनी होती है। यह कोई आम आदमी कार नहीं खरीद सकता। यहाँ की सरकार के अधिकारी और सेना अधिकारी को ही कार रखने की अनुमति है। उत्तर कोरिया में कोई भी ब्लू जीन्स नहीं पहन सकता है। इसके पीछे का कारण ये है कि सरकार इसे अमेरिकी पहनावा मानती है। यहाँ चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था नहीं है। पुलिसकर्मी इशारों से वाहनों को कंट्रोल करते हैं। आज पूरी दुनिया इंटरनेट पर काम कर रही है, लेकिन उत्तर कोरिया में लगभग 605 लोग ही इंटरनेट का यूज़ करते हैं। बच्चों की स्कूल फीस के अलावा पेरेंट्स को उनके लिए टेबल चेयर के लिए भी फीस देनी पड़ती है। वीडियो में कोई त्रुटि हो सकती है क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर है। त्रुटि के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उस कमेंट को पिन कर सकें। दोस्तों, इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.saralhistory.com पर ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।